प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में, जिसमें हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जो अपने नाम के साथ साथ अपने काम के लिए भी जाने जाते हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जिन्होंने सरकारी नौकरी में होते हुए भी वहाँ से VRS लेकर समाज सेवा शुरू की। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं मनोरमा श्रीवास्तव और मैं DAV इंटर कॉलेज में यहाँ टीचर थी। 1999 से मैंने अपना काम शुरू किया। ईश्वर की प्रेरणा थी। मंदिरों में जाती थी, भीख मांगते हुए बच्चों को देख के बहुत दुख होता था। मैं मंदिर में ईश्वर की मूर्ति देख करके लौट के आके मैं बहुत दुखी हो जाती थी। लगता था ये बच्चे उन्हीं के स्वरूप हैं और भीख क्यों मांग रहे हैं। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि मैंने भिक्षावृत्ति पे एकदम काम करना शुरू किया और इन बच्चों को घर ले आना, नहलाना धुलाना, इनको अपने पास रखना, फिर अपनी गाड़ी में ही अपने ही स्कूल में ले जाते थे और इनका नाम लिखवाना, खिलाना पिलाना सब किया। एक आश्चर्य की बात मेरे साथ ये हुई कि बच्चे एक दिन में ही भीख मांगना बंद कर देते थे। तब मुझे लगा कि बच्चे जो है वो भीख मांगना नहीं चाहते हैं, इनके ऊपर कोई प्रेशर है। फिर मैं जाने लगी इनकी झुग्गी झोपड़ियों में, ज़्यादा जाते थे झुग्गी झोपड़ियों में, एक एक का रहन सहन देखते थे। तब मुझे लगा कि इनके ऊपर पेरेंट्स का भी प्रेशर नहीं है कि मांगो, ना तो ये भूखे हैं। कोई ये कहे कि भूखे हैं तो नहीं, भूखे भी नहीं थे। सिर्फ एक प्रवृत्ति सी बन गई थी, क्योंकि घर में बच्चों के पास कुछ नहीं था, झोपड़ी थी तो उसमें क्या करें, तो बच्चे चलो झुंड में भीख मांग रहे हैं। हमारा तो धर्म भी ऐसा है कि दान को का स्वरूप मानते हैं और लोग देने लगे, खूब देने लगे, बच्चों को मज़ा आने लगा। बच्चों को क्या, इतना विवेक तो होता नहीं। फिर मैंने समझाया और मुझे कुछ भी समय नहीं लगा, एक ईश्वर की कृपा है, बच्चे तुरंत अपने आप ही समझ के भीख मांगना बंद कर देते थे। और ये मैं 99 से कर रही हूँ। और जब मैंने देखा कि बहुत बच्चे हो गए और बहुत मानते हैं बच्चे मुझे, मम्मी जी अगर रात भर खड़ा रखे तो खड़े भी रहते थे, तो फिर मैंने सोचा कि इनको जो है अब मैं VRS लेके पूर्ण रूप से मैं इनके साथ लगूं, और मैं लग गई। आपकी समाज सेवा करने की शुरुआत कब से हुई? शुरुआत तो वही 99 में ही, जब मंदिरों, हम थोड़ा सा जाते हैं मंदिर पूजा करने, तो वहाँ मंदिरों में जब भीख मांगते बच्चों को देखा तो फिर लगा कि वहाँ से पूजा करना बंद कर दिया मैंने और सीधे बच्चों में आ जाती थी। फिर मैंने बकायदा एक 2004 में संस्था बनाई जिसका नाम था जमी अपनी आप मेरा। समय हो तो मैं बताऊं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। उस समय फूड फ्री नहीं था, तो बच्चे जो है, जो बच्चियां थी, जब मैं स्कूल से लौटती थी झुग्गी झोपड़ी के थ्रू, तो देखती थी कि 4-5 साल की बच्चियां चटनी पीस रही हैं और भात में नमक डाल के खा रही हैं, तो मैं घर में आके बहुत उदास होती थी। और उसके बाद गर्मी के दिन में, जून में, मुझे किसी ने कहा कि आप एक संस्था बना लीजिए, अनाथ बच्चे भी आते थे, कहीं आप पकड़ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने कहा कि हाँ, कुछ कानूनी ना हो जाए, वैसे इस पे हम विश्वास नहीं करते थे। लेकिन फिर मैंने उनको देखा तो रात को जाते थे जून की गर्मी में, तो बच्चे नंगे और रेत पे सोए होते थे। तब मैं सोचती थी कि ना इनको गर्मी लगती है ना इनको सर्दी लगती है, तो इनके लिए तो ज़मीन भी अपनी है और आसमा भी अपना है। फिर इसीलिए इसका नाम मैंने ज़मीन अपनी आसमा मैंने रखा। आप एक बेहतरीन काम कर रही हैं, हर किसी का कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है, आपका प्रेरणा कौन है? बच्चों को ही कहेंगे, क्योंकि मंदिर जब गए और ईश्वर को वो देखा, मतलब उनकी मूर्तियाँ देखी, तो मुझको उनमें बच्चे दिखाई देने लगे। एकदम सच बात है, अंदर से बच्चे दिखाई देने लगे। तो मैंने सोचा कि और वहाँ भगवान को हम चढ़ा रहे हैं और यहाँ बच्चे हाथ फैलाए हैं, तो बस लगा कि अब इनको नहीं फैलाने देंगे हाथ। ये मैंने संकल्प ही कर लिया
और उसके बाद रात दिन, लेकिन अच्छा काम था और बच्चों का बहुत सपोर्ट मिला इसमें। बच्चे, मुझे ये लगा कि सच में भगवान का स्वरूप होते हैं, उनको जिस धारा में आप ले जाइए तुरंत पलट जाते हैं। एक दो दिन से ज़्यादा नहीं लगता था मुझे ये समझाने में कि भीख मांगना बंद करो, हाथ फैलाना बंद करो। किस तरह की समाज सेवा को आप बढ़ावा दे रही हैं? बस भिक्षावृत्ति बंद हो जाए, हाथ फैलाएंगे जैसे गांधी जी ने कहा था। और दो चीज़ ये हम, गांधी जी ने कहा था कि मैं ये भी अपने बच्चों को भी बताती हूँ कि जो भी बच्चे हैं, कोई बच्चा गरीब नहीं है। अगर उसके दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, सारे अंग सलामत हैं तो बच्चा गरीब नहीं है। ये बात मुझे मेरे बचपन से मेरे मन में दबी हुई, धंसी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इन बच्चों को भी रोज़ ये प्रार्थना ही थी कि मेरे क्या है, दो हाथ हैं, दो पैर, तो हमारे हाथ ऐसे रहें, हमारे हाथ ऐसे न रहें, हमको मांगना नहीं है, हमको देना है, इस तरह से समझाते थे बच्चों को। तो ईश्वर कहो या बच्चे कहो, सारे मान जाते हैं। इस समय 1100 बच्चे निकाल चुकी हूँ, 3 जनरेशन निकल चुकी है। ये नहीं मैं कहूँगी ज़रूर कि बच्चे कलेक्टर बने या IAS बने, कुछ नहीं, बच्चों ने अर्थ तक या साक्षर हो गए बच्चे, और उन बच्चों ने पेपर तो पढ़ लेते हैं बच्चे, लेकिन जो भी काम कर रहे हैं, चाहे रिक्शा भी चला रहे हैं, ईमानदारी से चला रहे हैं। यदि उनका बाप धुत है शराब में, पर वो बच्चा नहीं पीता है, ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये समाज के लिए तो है ही है। मुझे ये लगता था कि समाज का इतना बड़ा वर्ग बेकार हो जाएगा, चोरी ही तो करते ना, छीना झपटी करते, हाथ फैलाने का मतलब यही हो जाता है। जो अभी समाज सेवा कर रही है, उसका मेन उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी से हमको मांगना नहीं है, हमको इस तरह से बनना है कि हम किसी को दे सकें, हम किसी से ले नहीं, ये है। उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना, हर बच्चे के अंदर, और बड़ा होकर के एक अच्छा नागरिक तैयार हो। हम नहीं कहेंगे कि वो MA करे अपनी परिस्थिति के हिसाब से, पर यदि कुछ भी कर रहा है बच्चा, जूते में पॉलिश भी कर रहा है, तो उसमें मन लगा के करे और वो दिल से करे, ये बहुत बड़ा सुकून होता है जो भी काम करता है कोई मन लगा के। तो जी, जो आपकी संस्था है जमी अपनी आसमा मेरा, इसकी शुरुआत कब से हुई और कैसे हुई? इसकी शुरुआत तो वही बताया मैंने कि 1999 से तो मुझे ये लगा कि हम बच्चों को निकालना है, और इसके बाद 2004 में एक बच्चा मेरे पास आया, सलमान नाम था उसका। वो अपने फादर की तीसरी बीवी का लड़का था, मतलब, और वो भी मर गई, वो 4 साल का बच्चा था। तो ये जो थे कबाड़ी थे, और ये रहते थे मेरे घर के पीछे। तो इसके बाद इनका क्या हुआ कि मैं जाती थी, सलमान तो चिपक जाता था, एंड वेरी क्यूट बॉय, बहुत सुंदर था, मेरे पैर से चिपक जाता था, मम्मी हम घर चलेंगे, तो हमने कहा चलो, रहने लगा मेरे पास। मैं उसको दिवाली और दशहरा, मैंने रहता था मेरे पास 24 घंटा। अब वो सोचता था कि मेरी माँ ही हैं ये, और मेरी उम्र भी तब कम थी, तो उसको लगता होगा कि माँ है। और उसके बाद जो है धीरे धीरे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक अनाथ बच्चे का और कबाड़ी का बच्चा, कबाड़ी भी मर गया, तो उसके कई माँ बाप हो जाते हैं, यानी फूफू और ये सब आई, और सब इसको घसीट घसीट के ले जाने लगी। एक दिन देखा मैंने रात में कि ये ले गई फूफू, मैंने कहा भीख तो नहीं मंगवाएगी, बोले नहीं, और ले गई। और देखा मैंने कि दशहरे का ये जो दुर्गा पूजा होता है, उसमें रात में मैं टहलने निकल रही थी मॉर्निंग में, तो मैंने देखा कि उसके मुंह पे मार मक्खियाँ, मैं सलमान को ऐसे देख ही नहीं सकती थी, पूरे मुंह पे मक्खियाँ लगी हुई हैं, और वो लेटा हुआ है, नशे में था, 6 साल का बच्चा नशे में था, तुतलाता था, और उसको सुला दिया गया था, और भीख मांग करके अपने घर में दे आया था। तब जा करके मैंने कहा कि आके घर में बताया, मैं घसीट पसीट के गोद में 2 आदमी किसी हेल्प से घर ले आए, नहलाया, तो फिर उसकी फूफू लोग आ गई और कि ले जाएंगे। तो मैंने कहा कि ऐसे तो वो जाना नहीं चाहता था,
लेकिन मार की डर से वो चला गया। तब मुझे लगा कि अब ये कोई ना कोई केस हो जाएगा, बवाल हो जाएगा पूरे लोग। तो मैं मेरे और लोगों ने बताया, मेरे हस्बैंड ने ये कि संस्था एक बना लीजिए, नाम रख लीजिए और तब चलाइए, तो कम से कम आप आराम से कर पाएंगी काम, कोई केस नहीं बन पाएगा। तो ये इस वजह से संस्था बनाई मैंने। 2004 में इसको रजिस्टर कराया। मेरे साथ उस समय बसपा में थे नकुल दुबे, भी बहुत हेल्प करते थे। फोटो है उनके इसमें। बच्चे भीख न मांगे, इसको रोकने के लिए आप क्या कुछ कार्य कर रही हैं? बच्चे भीख न मांगे, सबसे पहली बात है कि उनको भरपूर प्यार दीजिए। जैसे ट्रैफिक पे बच्चे आप देखती हैं, आते हैं पूछने लगते हैं, मकसद होता है भीख मांगना, वो खुद के लिए नहीं करते हैं, वो माँ बाप तुरंत ले लेते हैं उस पैसे से और उनका काम है बुरी आदतों में। और इनके यहाँ मैं देखती हूँ कि मतलब थोड़ा सा फ्री है, तो पीना पाना और ये तो इसमें तो बच्चा कल्प्रिट है ना, और फिर बच्चे का भविष्य जा रहा है, इसलिए मैं जो हूँ यही कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे किसी तरह से बच्चे भीख न मांगे। सब लोगों ने कहा मत हाथ रखिए, मैंने कहा मैं यहीं से शुरू ही करूँगी। प्राइम टीवी के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? कृपया गरीबी शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल दें, ये सोचे ही नहीं कि कोई बच्चा या कोई जो भीख मांगना है वो गरीब है। सरकार ने दो राशन देना शुरू कर दिया है, तो आप ये मत सोचिए कि उनके पास पैसा या भूखे हैं, वो नहीं है। आप उनसे, उनके पास हाथ है, 2 मिनट टाइम दीजिए, 4 मिनट टाइम दीजिए, प्यार से देखिए, वो काम करने लगेंगे और उनके अंदर भी ये आत्मविश्वास उठेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ ज़िंदगी में या कर सकती हूँ। अब बच्चों को तो बहुत ज़रूरी है, बच्चे तो माटी के एकदम मूर्त हैं। धन्यवाद आपका हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू, तुमको भी धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव, जो एक समाज सेवा का एक बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं। वो चाहती हैं कि बच्चे भीख ना मांगें, ये एक बहुत अच्छी पहल है। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, तब तक ले देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं।